कोई आदमी कैसा है ये बात उसके दोस्तों और रिश्तेदारों से बेहतर कोई नहीं जानता। बुराई की फतह के लिए सिर्फ एक चीज की जरूरत होती है कि नेक लोग कुछ ना करें। लोग बीमारी के डर से गिजा छोड़ देते हैं, लेकिन अजाब जहन्नम के खौफ से गुनाह नहीं छोड़ते। जब इंसान की नादानी ऐसे काम में हो जो उसकी तबीयत के मुक्किफ हो, तो गुमराही का जाना दुश्वार है। जो शख्स किसी तरह भी बुराई की रोकथाम ना करे, वो चलती फिरती लाश है। उन लोगों की तरह ना हो जाओ जो बोलते तो समंदर की तरह हैं, मगर उनकी सोच गंदे जोहड़ों जैसी होती है। नेक इंसानों के दिलों में भी बुरे ख्याल आते हैं, मगर वो यूं नहीं चले जाते हैं, कोई धब्बा और दाग दिल पर नहीं लगा जाते। आदमी के गलत रहने की एक वजह यह भी है कि वो अपने गलत अमाल का भी कोई ना कोई जवाब तलाश कर लेता है। नेक दिल लोग गाय की मानिद हैं, जो घास खाकर भी दूध देती है, और बुरे सांप की मानिद हैं, जो दूध पिलाने पर भी डंग मारते हैं। बदी करने वाला गिरा अपने किए पर, पाशमा नहीं होता तो उसे याद रहे कि वो बदी को कभी नहीं छोड़ सकता। बुराई की हौसला अफजाई इस सोच से भी होती है कि मेरा बाप या बेटा ऐसा नहीं हो सकता। अच्छों की कमाई खानदान की परवरिश और कौमी फलाह में मसरूफ होती है, और बुरों की कमाई अयाशी और इंसानियत की बर्बादी है। कुदरत के कवानीन अटल हैं। नेकी का बदला नेकी और बुराई का बदला बुराई मिलता है। ये जजा और सजा इसी जिंदगी में मिल जाती है। घटिया बातें मत सोचा करो, अपने दिल और दिमाग को साफ और वाजिया रखो, वरना तुम्हारे अंदर का अजीम इंसान मर जाएगा। कोई ऐसा काम छुपकर भी ना करो जिसके जहर होने से शर्मिंदगी हासिल हो।